कोई ऐसे प्रकरण थे जिसमें जांच बहुत जरूरी थी, उसके लिए जांच की मांग की गई। आरोप प्रत्यारोप या आक्षेप और उसकी बात नहीं है। इन गोबर घोटाले में, रेत घोटाले में, रेत के तस्करी में ऐसे मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए हैं और जिस पर पिछली सरकार में कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 17वां अवसान हो गया है। अगर हम पूरे बजट सत्र की बात करें, 17वें दिन की बात करें, तो ये बजट सत्र जांच के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इस पूरे बजट में एक चीज देखने को मिली कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने बहुत सारे मामले में, चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे जर्जर सड़क का मामला हो, चाहे अपराध का मामला, बहुत सारे मुद्दे पे अपने ही सरकार से सवाल किया और उनको घेरने की कोशिश की। स्मार्ट सिटी के मामले में तो लगभग 30 मिनट तक प्रश्नकाल पर चर्चा होती रही। इसी तरह अगर हम बात करें तो शराब घोटाले के मामले में भी 20 मिनट चर्चा हुई। तो ये सत्र इन दो चीजों के नाम से जाना जाएगा। हमारे साथ जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह यहां पर मौजूद हैं। इस सत्र को अगर याद करने की बात होगी तो कौन सी चीज आपको जो है इस सत्र को याद रखे जाने लायक? देखिए, इस सत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी एक नए रूप में विधानसभा के अध्यक्ष रूप में दिखाई दिए। उन्होंने बहुत ही कुशलता से विधानसभा का संचालन किया। नेता प्रतिपक्ष भी अपने विशिष्ट शैली से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुत ही शांत, सौम्य और धैर्यपूर्वक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए देखा। अब रहा सवाल कि विधानसभा में कार्यवाही के नाम पर जांच की मांग की गई, तो सवाल जांच की मांग की नहीं थी। कोई ऐसे प्रकरण थे जिसमें जाँच बहुत जरूरी थी, उसके लिए जाँच की मांग की गई और सरकार ने उसको खुल करके समर्थन भी दिया और जांच कराने की घोषणा की। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, अगर कोई गलत हुआ है, कोई गफलत हुई है, तो उसकी जांच अगर सरकार करा रही है तो इसमें कहीं पर कोई आरोप प्रत्यारोप या आक्षेप और उसकी बात नहीं है। जांच कराना ही चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसमें एक मामले में जब हमारी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से बातचीत हुई, उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सरकार का सौतेला रूप नजर आया। कांग्रेस के सदस्य जिस मुद्दों को उठाते थे, चाहे वो गंभीर गंभीर मामला है, वन्य जीवों के मौत का मामला है, अपराधों का मामला है, इन सब मामलों में जाँच नहीं की घोषणा नहीं की जाती थी। वहीं गोबर और मूत्र खरीदी जैसे मामलों में जाँच की गई, तो उन्होंने इस पूरे मामले में जाँच की जो घोषणा हुई उस पर भी सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। ये वन्य जीवों की जांच के लिए उन्होंने कार्रवाई करने का विधानसभा में मंत्री ने घोषणा भी की, जो जो कार्रवाई हुई थी उसके बारे में बताया। लेकिन गोबर घोटाले में, रेत घोटाले में, रेत के तस्करी में बहुत से लोग लिप्त हैं और उसकी जांच बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो जनता को बहुत तकलीफ हो जाती, इसलिए उसमें जांच की घोषणा की गई है और कार्रवाई की घोषणा की। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो सत्ता पक्ष के विधायकों ने बहुत सारे मामलों में सरकार को घेरा, मंत्री को घेरा और कई बार मंत्री निरुत्तर भी नजर आए, तो इस मामले में उन्होंने कहा कि जो लोग मंत्री नहीं बन पाए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य मंत्री नहीं बन पाए, वो अपने आप को लायक और मंत्री को नालायक साबित करने के लिए सवाल कर रहे थे, इस तरह की बात भी है, इस पर क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए हैं और जिस पर पिछली सरकार में कोई कार्रवाइयां नहीं हुई, पिछली सरकार में जिन चीज़ों को संरक्षण दिया गया, चाहे कोयले की कमीशनखोरी का मामला हो, चाहे शराब के अफरा तफरी का मामला हो, चाहे गोबर खरीदी का मामला हो या और अन्य कोई भी मामले हो, उसको अगर सदन में उठा करके कोई मांग की जा रही, तो मंत्री को घेरने के लिए नहीं बल्कि जनहित में इन मुद्दों को उठाया गया और मंत्रियों ने उस पर खुल करके जांच की घोषणा भी की। कोई अपनी सरकार को क्यों घेरेगा? अच्छा, लेकिन जनहित में घेरना जरूरी भी रहता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको, आप बहुत सीनियर हैं, आपका परफॉर्मेंस तो खैर सब जानते ही हैं, परफॉर्मेंस की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग नए जीत के आए हैं, परफॉर्मेंस आपको कौन सा अच्छा लगा और उसमें क्या चीज़ बात अच्छी लगी? क्योंकि अध्यक्ष जी ने भी इनकी तारीफ की कि नए लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया। नहीं, विपक्ष में भी जो नए विधायक चुनकर गए हैं उन लोगों को पहली बार सुनने का, बोलने का और हम लोगों को देखने का मौका मिला। उसमें एक से एक बेहतरीन बोलने वाले और अच्छे लोग हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के भी नए लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है और ये तो पहला सत्र है, धीरे धीरे वो निखरेंगे और कुछ दिनों के बाद इस सदन में उच्च स्तरीय चर्चा भी होगी और यहाँ का जो विधानसभा की कार्रवाई है उसका स्तर बहुत ऊँचा होगा। चलिए, अब हम हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जो हैं अटल श्रीवास्तव जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमसे भी बातचीत करेंगे। अगर इस सत्र की बात करें, बजट सत्र की बात करें, 17 दिन था, बहुत सारे मामलों में जांच हुई, सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार को घेरा, अपने सरकार से सवाल किया, किस रूप में इस बजट सत्र को याद किया? देखिए, हम लोग का पहला सत्र था, हम लोग नए विधायकों का, और हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष
संसदों में मुझे जो समझ में आया कि जो प्रश्न है, जो प्रॉब्लम्स है क्षेत्रों में, उसकी समस्या के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों प्रश्न करता है और आंसर देने का काम मंत्री का होता है। तो इस सत्र में ये देखने मिला कि हमारे सत्ता विपक्ष के लोगों ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस उठाए, सत्ता पक्ष के जो विधायक थे उन्होंने भी ऐसी कई चीज़ों के बारे में पूछताछ की जो हम लोगों को जानकारी मिली कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों में जांच भी हुए। पर कहीं ना कहीं ये लगता था कि जानबूझ के एक सदा बदा हुआ, एक बहुत ही सोचा समझा हुआ तरीका था कि हम क्वेश्चन उठाएंगे, आप जांच का आदेश दे देना। इतनी सारी सीबीआई जांच के आदेश हुए तो कहीं ना कहीं भी घेरने की कोशिश है। देखिए, काम तो अधिकारी करते हैं, नियम बनाने का काम, योजना बनाने का काम नेताओं का होता है और उसको क्रियान्वयन का काम अधिकारी का होता है। अगर क्रियान्वयन ठीक नहीं हुआ है तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे, और वो अधिकारी पिछले शासन में भी काम कर रहे थे और इस शासन में भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दबाव बनाने की राजनीति जरूर थी, पर इसका परिणाम कुछ नहीं आएगा। चलिए, ये थे अटल श्रीवास्तव जी, और उन्होंने सीधा सीधा जैसे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था और अटल जी ने भी कहा था कि इस सत्र में थोड़ी सी नूरा कुश्ती भी नज़र यहाँ पर आई, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो सवाल उठाते थे उस पर जांच का आदेश हो जाता था, और गंभीर मामले जब विपक्ष के सदस्य उठाते थे तो उस पर थोड़ा सा उतना गंभीरता से नहीं दिया जाता था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहली बार विधायक चुनकर आए थे, एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए और एक अच्छा एक्सपीरियंस पूरे बजट सत्र का यहाँ पर रहा। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।